नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन इस बहुत ही महत्वपूर्ण से सेशन में। एंड व्हाट आई बिलीव इज दैट कि हम सब लोग इस सेशन को बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और हर वो छोटी से छोटी चीज जो हमारे एग्जामिनेशन पर्पज के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है साथियों, उसे हम करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो धुआंधार तरीके से जितने भी दोस्त जुड़ चुके हैं साथियों हमारे साथ में, एक बार तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोगों को मेरे सेशंस अच्छे लग रहे हैं, या फिर जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ईवीएस की इससे बेहतर कक्षा आपको कभी नहीं मिलेगी साथियों। और आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस बेहतरीन सी कक्षा को, ये दिखाने के लिए बहुत बेहतर कक्षाएं चल रही हैं, आप लाइक का बटन जरूर दबाइए, बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प यू, आई एम हियर नॉट टू गाइड यू फॉर द ईवीएस। मैं सिर्फ आपको ईवीएस के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, आपको हर छोटी से छोटी जानकारी जो आपके सीटेट के पेपर को पास कराएगी उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज दूंगा। इफ़ यू हैव सीन, कल मैंने एक वीडियो डाली थी कि अगर ये पांच चीज़ें करते हैं तो आपका सीटेट पक्का पास होगा। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाइए इस चैनल पर, और इस चैनल पर जाकर वो वीडियो जरूर देखिए साथियों। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरे एफर्ट्स की कोई वैल्यू है साथियों, जो भी एफर्ट्स मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ वो बहुत वैल्यूएबल है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी सब्सक्राइब ऑफ योर राइट विल हेल्प मी अलॉट, बहुत हेल्प करेगा साथियों मेरी, ठीक है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये सेशन, है ना, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को करीब 74 क्वेश्चंस करा दिए थे, ये तमाम क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, एंड हम लोग आगे फर्दर जो है आगे बढ़ेंगे 74 क्वेश्चन के बाद में, है ना। तमाम ये वो क्वेश्चन है साथियों जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन में ला लिए, हमने ऑलरेडी इनको डिस्कस कर दिया साथियों, है ना। आप सभी जानते हैं कि वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज क्वेश्चन जो कल और परसों हमने कर लिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जस्ट गोइंग टू द 74th क्वेश्चन साथियों, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन, सुनीता विलियम्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है साथियों। थीम का नाम है साथियों, इस थीम का नाम है ट्रेवल, ठीक है। उससे क्वेश्चन प्लस में साथियों, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को थिंग्स वी मेक एंड डू थीम के अंदर भी देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं साथियों, ठीक है, आप सब लोगों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का, ठीक है। और उम्मीद करूंगा आप सभी लोग यहाँ पर पूरे के पूरे सेशन को जो है वो बहुत अच्छे से एंजॉय करें, पूरे के पूरे सेशन को जो है साथियों वो मज़े में जी जी है ना, मज़े में जो है एंजॉय करें साथियों, और एकदम बेहतरीन तरीके से आंसर करते चलें। पहला क्वेश्चन, सी इज द सेकंड वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन, सी इज द सेकंड एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन, सी इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ वुमेन एस्ट्रोनॉट, और सी इज द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो सही आंसर है दैट इज फर्स्ट, वो भारत की दूसरी महिला एस्ट्रोनॉट थी सुनीता विलियम्स, है ना। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान में आप नावों को यातायात के रूप में देख सकते हैं, मतलब नाव जो है वो यातायात के तौर पर प्रयोग में लाई जा रही है। कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आ सकता है जब आपने ईवीएस को बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, जब आपने ईवीएस में डोंगा घरों के बारे में सुना है, जब आपने ईवीएस में साथियों छोटी छोटी उन वल्लम नावों के बारे में सुना है साथियों, तभी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लद्दाख और कारगिल के, लद्दाख के अंदर कोई लेक पाई जाती है नहीं, क्योंकि वहां पर आप सभी जानते हैं कि लद्दाख के अंदर बहुत कम लेक है भी, तो मतलब आप सभी जानते हैं कि वहां पर नाव वगैरह नहीं चलाई जाती, बिकॉज बहुत सतही सी लेव है, बहुत कम पानी पाया जाता है। लेकिन कश्मीर और केरल, कश्मीर के अंदर डोंगा घर बनाए जाते हैं साथियों, है ना, डोंगा घर बनाए जाते हैं कश्मीर के अंदर, और वल्लम चलाई जाती है साथियों केरल के अंदर, है ना। तो मेरे ख्याल से तो कश्मीर और केरल इसका करेक्ट आंसर होने चाहिए। सिक्किम और दार्जिलिंग दोनों पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे नाव कैसे चलाएगी, है ना, पहाड़ों पे नाव चला लोगे, ठीक है। तुम लोग ईवीएस एक्सपर्ट्स हो, है ना, कुछ भी कर सकते हो, ठीक, तुम लोग पहाड़ों पे नाव भी चला सकते हो इतना मुझे पता है। और दिल्ली और मिजोरम, दिल्ली में नाव चलती है एक जगह, बताओ कहाँ चलती है, दिल्ली में नाव कहाँ चलती है, एक जगह चलती है, वो भी कौन सी जगह साथियों, वो एक पुराना किला है दिल्ली के अंदर, है ना, पुराना किला के पास में पीछे जो है नाव राइड कराई जाती है, बहुत
थोड़ी सी दूरी के लिए, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट नहीं मान सकते हम उसे, हम उसे ट्रांसपोर्ट नहीं मान सकते कि यातायात हो रहा है वहां पर, है ना। वो तो सिर्फ एक फन पर्पज के लिए चलाई जा रही है, ठीक है। तो इसलिए दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं साथियों, आप सब लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार सब लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ईवीएस बाई लोकेश सर। जितने भी दोस्त हैं यहाँ पर वो सभी के सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, एक दो कमेंट हम करते हैं ईवीएस बाई लोकेश सर, फटाफट से लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन सबसे तेज है, बताइए। हाईवे सबसे तेज है, हवाई जहाज वाले रास्ते सबसे तेज है, जलमार्ग सबसे तेज है, या रेलवे सबसे तेज है। साथियों बहुत बढ़िया, फटाफट से बताइए कि सबसे तेज क्या है। अगर आप लोग ट्रेवल करना चाहते हैं तो सबसे फास्ट क्या रहेगा, कम ऑन एवरीवन, हर कोई बताएगा इस क्वेश्चन को। हम सभी जानते हैं कि वायु मार्ग जो होता है ना साथियों, फास्टेस्ट है, वो सबसे तेज होता है। वायु मार्ग जो है वो फास्टेस्ट है। वायु मार्ग कैसा है साथियों, सबसे तेज है। इससे तेज कोई भी अभी तक कोई मीडियम नहीं बना है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं साथियों, एक बहुत ही बेहतरीन सी ट्रेन की कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी, है ना। वो किस पर काम करेंगी, मैग्नेटिक अपलिफ्ट पर काम करेंगी वो, है ना, मैग्नेटिक अपलिफ्ट पर काम करेंगी। और उसके प्रोजेक्ट अभी मुंबई में और पुणे में, इन दोनों के बीच में प्रोजेक्ट चल रहा है। एक फिजिक्स की एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं लेविटेशन, उस पर आधारित है, लेकिन उसे आने में अभी टाइम है। तो अभी के लिए तो आप सभी जानते हैं वायु मार्ग सबसे फास्ट है साथियों, है ना, हवाई जहाज, ठीक है, दिल्ली से मुंबई पहुंच जाओ 2 घंटे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहां पर कितना नया क्वेश्चन है। शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले तो नहीं कराया है कभी भी, है ना। मुझे याद नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन क्या मैंने पहले कभी कराया था या नहीं कराया था, मुझे तो याद नहीं है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन का जवाब तो देना पड़ेगा बॉस। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा साथियों, है ना। चलिए मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ बिकॉज मैं थोड़ा जगह ज्यादा घेर रहा हूँ, ठीक। चलिए तो भैया थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। चलिए और तमाम जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और ये बड़ा नहीं होना है तो एक बार जय श्री राम, है ना, हो गया छोटा, ठीक। चलिए अब आंसर करिए फटाफट से इस क्वेश्चन का, क्या सही आंसर होगा, सही मेल करना है। अरे मेल मिलाने में तो मेरे दोस्त एक नंबर है। वल्लम, लकड़ी की छोटी नाव, ट्रॉली क्या होती है, ट्रॉली, सीमेंट का पुल, कुछ जल निकायों को पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जुगाड़ लगाया जाता है, विशेष परिवहन करने के लिए। ट्रॉली एक रस्सी से जुड़ी लकड़ी से बनी एक खुला बॉक्स होता है जिसे हम ट्रॉली कहते हैं। अब वही ट्रॉली का एक और रूप है मेरे प्यारे मित्रों, इसी ट्रॉली का एक और रूप है जो आप ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे देखते हैं साथियों। तो सही मिलान हो गया, ठीक है। ए कहां जा मिला, 3 से, किससे जा मिला ए, 3 से। बी कहां जा मिला, बी जा मिला 4 से। तो 3 4 जहां 7 हो वहां तो आंसर बन ही जाएगा अपने आप, है ना, पहला इसका करेक्ट आंसर है। कितने दोस्त यहां पर ऐसे हैं जो लिख रहे हैं ईवीएस किंग लोकेश सर, है ना, बहुत बढ़िया, शाबाश भैया, जितने भी दोस्त हो, ठीक है, तुम सब लोग जान हो भाई साहब, है ना, इस पूरी की पूरी कोचिंग इंडस्ट्री की जान हो आप लोग सबके सब, क्योंकि तुम सब लोग को मजा आता है पढ़ने में। और मैं जान सकता हूं कि भाई, समझ सकता हूं कि अभी त्योहार नजदीक आ रहे हैं, एक बार जैसे त्योहार निकलेंगे ना, उनका एक अलग रूप निकलेगा मेरे छात्रों का, ये एक अलग स्वरूप में होंगे, और उस स्वरूप में ये इतना ज्यादा पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे कि शायद हो सकता है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते थक जाऊं, लेकिन ये पढ़ते पढ़ते ना थके साथियों। अगला रूप, अगला क्वेश्चन देखो कितना नया क्वेश्चन है, कितना नया क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा जा रहा है, जब खुद एक
चीज मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कर रही है। अब बताओ सही आंसर, बताइए फटाफट से। चलिए थ्योरी की क्लास भी देंगे मेरे भाई, थ्योरी की क्लास भी देंगे। लौके सर के लाडले हैं और हमारे लौके सर कहीं से भी पढ़ाएं। अरे भाई तुम सब लोग आ गए ना फाइनली, मुझे इसी बात की खुशी है। अच्छा कैसे पता चला तुम्हें कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, है ना? चलिए अच्छी बात है साथियों, मैं अब इसी चैनल पर रेगुलरली पढ़ाया करूंगा। तो कोई भी छात्र जो इधर उधर भटक रहा है ना, थोड़ा भटक गया रे, थोड़ा अटक गया रे, सबके सब यहीं पर आ जाओ, है ना? चलो, मैं केरल में पाया जाता हूं, कश्मीर में नहीं। मैं पानी पर चलता हूं, जमीन पर नहीं। मैं लकड़ी का बना हूं, स्कूल पहुंचने के काम आता हूं। मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं? अरे तुम्हें पहचानने में मेरे छात्र कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मेरे छात्रों को एक बार में पहचान लिया, क्योंकि मैंने अपने छात्रों को कई बार बताया है कि वल्लभ में एक वल्लम नाम की छोटी नाव चलाई जाती है। कहां पर? केरल के अंदर। केरल के अंदर छोटी नाव चलाई जाती है जो वल्लभ कहलाती है साथियों, और ये केरल के अंदर पाई जाती है। पहचान लिया ना एक बार में आप सब लोगों ने, एक बार में पहचान लिया ना आप सब लोगों ने इसे, बिल्कुल पहचान लिया साथियों। तो वल्लम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, मच्छरों के बच्चे को हम क्या कहते हैं? लार्वा, टेडपोल, कैटरपिलर, ये सभी साथियों बताइए फटाफट से। मच्छरों के बच्चों को हम क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी लोग बताइए मच्छरों के बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं, टैडपोल कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं, सभी कहते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, यस गाइस, याद रखिएगा मच्छरों के बच्चों को हम लार्वा कहते हैं, लार्वा, है ना? क्या कहते हैं? लार्वा। अच्छा टैडपोल किसे बोलते हैं? मेंढक के बच्चे को, याद रखिएगा दोस्तों, मेंढक के बच्चों को, है ना? आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि मलेरिया के मामले बढ़े और लार्वा पाए गए, डेंगू के लार्वा पाए गए फलानी जगह ढिमकानी जगह, है ना? सुना होगा। तो वहां पर उन मच्छर के बच्चे होते हैं जो पाए जाते हैं, उनको ही लार्वा कहते हैं साथियों। देखो ये रहे साथियों लार्वा, इस तरीके के दिखते हैं, देख लो। अगर आपने कभी नहीं देखे हैं तो छोटे छोटे ऐसे लगते हैं मच्छर, इस तरीके से डेवलप होता है। ये इसकी दो बड़ी बड़ी आंखें, ये उसकी रीढ़ की हड्डी, और इसके अराउंड ये डेवलप होता है पूरा का पूरा मच्छर। अच्छा मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए रुके हुए पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। अगर पानी फ्लो नहीं कर रहा, अगर पानी बह नहीं रहा, तो ये बोला जाता है कि यार पानी रुका हुआ है तो एक काम करो उस पर तेल डाल दो। बोला जाता है, नहीं बोला जाता है, मतलब पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, बताओ? मच्छर तेल से दूर हो जाते हैं, मच्छर तेल से मरते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, और ऑयल कट ऑफ कर देता है ऑक्सीजन को। तो इस वजह से जो ब्रीडिंग होती है मॉस्किटोज की, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती कर देता है, तो इससे जो मच्छरों का जो प्रजनन होता है वो रुक जाता है साथियों। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, एक बार और इंग्लिश में बताएं। बता तो दिया भाई, है ना? चलो भाई कैसा लग रहा है साथियों, मजा आ रहा है पढ़ाई करके? अगर सब लोगों को पढ़ाई करके मजा आ रहा है तो यार एक बार मैं ना ये मजा आपके लाइक के बटन दबने में देखना चाहता हूं। एक बार जोरदार तरीके से लाइक का बटन दबाएंगे, टेंशन मत लो, लाइक के बटन की टेंशन मत लेना, खत्म नहीं होगा, कल फिर से लगवा लेंगे नया वाला। सही आंसर है साथियों, क्योंकि जो ऑयल होता है ना, वो देखो ऑयल जो होता है आप सभी जानते हैं पानी से हल्का होता है ऑयल, तो वो पानी के ऊपर तैरता है, और जब ऑयल पानी के ऊपर तैरता है तो नीचे जो भी पाया जाता है मच्छर वगैरह, उसकी जो भी नीचे जो भी साथियों क्या होगी, जो भी मच्छर को क्या हो रहा होगा साथियों, मच्छर को जो भी दिक्कत आ रही होगी उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई काट देगा। तो इस वजह से ऑयल जो है वो कट ऑफ कर देता है ऑक्सीजन सप्लाई को, और जो मच्छर है उनका प्रजनन जो है वो रुक जाता है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बर्फ के पहाड़ों पर चढ़ते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बताओ बर्फ के पहाड़ जो होते हैं उन पर जब हम चढ़ते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं? हिमसंखलन आते हैं, गिरती हुई चट्टाने आती हैं,
ब्रीथिंग में सांस लेने में दिक्कत आती है या ये सभी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, बताओ। आज तो मजा आ रहा है गुरु, है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। कैसा लग रहा है सेशन? मजा आ रहा है? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, है ना? ये सभी समस्याएं आती हैं। देखो भाई, लगातार बर्फ वाली जगह पे चढ़ोगे तो बर्फ तो पिघलती रहती है, रॉक चट्टाने गिरती रहती हैं, और इतना ही नहीं सांस भी फूलता है। आप लोग को पता है साथियों, एक बहुत ही फन फैक्ट बता दूं आपको, फन फैक्ट नहीं, एक बहुत रियल फैक्ट बता दूं, फन नहीं बोलना चाहिए। लोगों के जो इंसान जो होते हैं साथियों, उनकी जान पहाड़ को चढ़ते समय जाने की बजाय उतरते समय होती है साथियों। पता क्यों? क्योंकि जो ये टॉप वाला जो रीजन होता है ना, सबको ये रहता है कि इस वाले भाग को जल्द से जल्द चढ़कर उतरा जाए, क्योंकि जितना जल्दी उतर जाएंगे उतना जल्दी एक सेफ जॉइंट में पहुंच जाएंगे। आप सबको तो पता है ना कि सबसे ज्यादा जो गैसेस हैं, जो सांस लेने वाली गैसेस हैं या फिर तमाम पॉल्यूशन वाली गैसेस है, वो हमारे ट्रोपोस्फियर में पाई जाती हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे इस क्षोभ मंडल से, ये ट्रोपोस्फियर कम होती चली जाएगी। आप सबको पता है इस बारे में, है ना? तो इसलिए सही आंसर ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, समझ गए? कितने दोस्त समझे यहाँ पर? जितने भी दोस्त समझ गए वो लिखे, सर हम सब समझ गए। पहाड़ पर चढ़ते समय लोगों की सांस फूलने लगती है, ऐसा क्यों होता है बताओ साथियों? अब सांस फूल रही है लोगों की, पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है साथियों, बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, शाबाश। यस, आप सभी को पता है क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगेगी, है ना? O2 घटने लगेगा। क्या घटने लगेगा? O2 घटने लगेगा बहुत तेजी से। तो इसलिए तीसरा इसका करेक्ट आंसर है, ऑक्सीजन की मात्रा लगातार ऊंचे एल्टीट्यूड पर घटने लगती है, इस वजह से जो लोग हैं वो ब्रेथलेस फील करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। What ropes are used for a rock to climbing? किन चीजों के लिए रस्सियों का उपयोग पर चढ़ने के लिए किया जाता है साथियों, बताइए। नायलॉन का, रेयन का, पॉलिस्टर का, नियोप्रेन का? बहुत बढ़िया, शाबाश, बताइए किन चीजों के लिए रस्सियों का उपयोग किया जाता है। यस, नायलॉन इसका सही आंसर है साथियों, नायलॉन की रस्सियों का उपयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, नायलॉन की रस्सियों का उपयोग किया जाता है। जब भी आप क्लाइंबिंग करते हैं साथियों, किसी पर्वत पर चढ़ते हैं, तो नायलॉन की रस्सियों का उपयोग किया जाता है साथियों। एक इसका करेक्ट आंसर है। साधारणतः मानचित्र के ऊपरी भाग से सूचित होने वाली दिशा क्या है? कितनी बढ़िया बात है, देखो कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आप बताओ, ये वाला क्वेश्चन सीटेट में आता तो ना जाने कितने छात्र इस बात को सोचते कि यार क्या आंसर दें। ईवीएस किंग सर का लाडला हूं, ऐसे ही नहीं ईवीएस में गर्दा गर्दा कर देते हैं। ईवीएस में तुम गर्दा नहीं करते हो, गर्दा 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 कर देते हो, है ना? कुछ बचता नहीं है ईवीएस के पेपर में, खत्म कर देते हो। बहुत बढ़िया, शाबाश। किस किस को? ठीक है, बहुत बढ़िया। सर बिहार के सीएम भी क्लास कर रहे हैं क्योंकि उनको भी एग्जाम देना है, तो माननीय नीतीश कुमार जी आपका इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, और आप भी इस कक्षा को अगर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर दैट इज नॉर्थ, उत्तर, है ना? उत्तर इसका सही आंसर है, ध्यान से देखो दोस्तों। तो उत्तर जो है ना वो कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखो भाई। हमेशा हमारा जो कंपास है मेरे प्यारे मित्रों, ये कौन है जो सी आंसर कर रहा है, ये कौन है जो पूरब आंसर कर रहा है? ऊपर पूछा है, ऊपर की ओर, ऊपरी भाग। भाई दिमाग कहां रहता है? दिमाग घुटनों में डाल दिया है क्या? समझो ध्यान से, यहां पर है नॉर्थ, यहां पर है साउथ, यहां पर है ईस्ट और यहां पर है वेस्ट। ठीक है, ध्यान से देखो। तो अगर ये वाला जो भाग है, ऊपरी भाग ये पूछ रहा है ना, तो ये नॉर्थ हुआ। अगर पूछा दायां भाग तो ईस्ट हुआ, पूछे बायां भाग तो वेस्ट हुआ, पूछे निचला भाग साउथ हुआ। क्या आगे से ये क्वेश्चन गलत करोगे कभी? तुम लोगों की डिमांड थी कि सर नए क्वेश्चन कराइए, डिमांड पूरी कर दी नहीं कर दी? बोलो, अरे तुम बोलो, तुम्हारी डिमांड पूरी कर दी नहीं कर दी कि हाँ सर नए क्वेश्चन है? सारे गलत कर दिया, सबने गलत कर दिया इस वाले क्वेश्चन को। तो सबके सब जवाब दो, एक ए जवाब दो फटाफट से। ठीक है, अभी भी सी दिए जा रहे हैं,
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, कम प्रदूषणकारी ईंधन कौन सा है इनमें से? बहुत बढ़िया, कम प्रदूषणकारी ईंधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोल, केरोसिन, नेचुरल गैस। देखो दोस्तों, वो फ्यूल, वो ईंधन सबसे कम पॉल्यूशन करेगा जिसके अंदर कार्बन की वैल्यू बहुत कम होगी। जैसे जैसे कार्बन की मात्रा घटती है, याद रखिएगा, जैसे जैसे कार्बन की मात्रा घटती है पॉल्यूशन की मात्रा भी घटती है साथियों, याद रखिएगा। तो हमें ये देखना है कि सबसे कम कार्बन कहां पर पाया जाएगा, या फिर उसका बाई प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए, या फिर कोई अन्य नहीं होना चाहिए। कोयला जलाओगे तो बिल्कुल कार्बन है, पेट्रोल कार्बन है, केरोसिन कार्बन है, नेचुरल गैस इसके अंदर कार्बन है, लेकिन सबसे कम अमाउंट में कार्बन है ना, सबसे कम अमाउंट में कार्बन नेचुरल गैस के अंदर पाया जाता है, इसीलिए डी इसका करेक्ट आंसर है साथियों, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन आता है क्या सर? मेरे प्यारे मित्र, ये सारे के सारे क्वेश्चन वो करा रहा हूं जो अभी सीटेट के ऑनलाइन पेपर में आए हैं, ठीक है, उन्हीं से प्रेरित क्वेश्चन बनाए हैं, कुछ नए, उन्हीं से प्रेरणा लेके कुछ नए क्वेश्चंस बनाए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, कुछ पेपर में आए हुए हैं, कुछ प्रेरणा लिए हुए क्वेश्चंस बना के करा रहे हैं साथियों। तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? क्यों लालाओ, गुड्डा मुन्नाओ, राजाओ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी तरीके की? ठीक है, चलिए डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? बताओ इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होती मेरे प्यारे मित्रों? वैक्स है, ग्रीस है, कोयला है, डीजल है साथियों। कुछ छात्र अभी भी हमारे ऐसे हैं जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर हमसे पढ़ रहे होंगे, मतलब हमारी जगह पर, हमारे जहां पर हम शायद पढ़ाया करते थे वहां पर अब हमारी जगह पर कोई क्लास चल रही होगी ऑलरेडी, है ना। तो अगर कोई ऐसा है साथियों जो वहां रह गया हो और जो ईवीएस पढ़ना चाहता हो मुझसे, सबको खींच लाओ दोस्तों, सबको पकड़ पकड़ कर ले आओ कि हमारे सर वहां पर पढ़ा रहे हैं बेहतरीन सा, ठीक है। चलिए सही आंसर है कोयला। इनमें से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? कोयला प्राप्त नहीं होता दोस्तों, है ना। चलिए सही आंसर है इसका सी, इसका करेक्ट आंसर है। एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, एक इतना अच्छा क्वेश्चन जो बिल्कुल नया आया, और आप सबको पता है कि ये वाला क्वेश्चन मैंने कई बार कराया आपको। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली के बारे में बहुत सुना होगा आप लोगों ने, भारत की बहुत ही प्रमुख सी साड़ियां हैं, बहुत ही कस्बा है। तो बताइए कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक बहुत ही कस्बा है, जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों के लिए बहुत फेमस है। इस पोचमपल्ली को, इसे अभी भी पोचमपल्ली कहा जाता है। ये प्रसिद्ध कस्बा किस राज्य में है साथियों? अब आप लोगों को याद आएगा तो, अगर मैं पहले अगर कभी पढ़ाता तो आंध्र प्रदेश पढ़ाता था, है ना, क्या पढ़ाता था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आप लोगों को जो अब तक मैंने कभी भी अगर ये क्वेश्चन कराया होगा तो आंध्र प्रदेश पढ़ाया होगा, लेकिन अब अगर कभी पढ़ाऊंगा तो याद रखिएगा तेलंगाना, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? तेलंगाना। अब देखो क्यों, क्योंकि आंध्र प्रदेश दो भागों में बट गया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये जो पोचमपल्ली वाला इलाका है वो कहाँ चला गया है? तेलंगाना के अंदर चला गया है ना, याद रखिएगा। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, प्लीज अपडेट कर लीजिए आप भी। ये वाला क्वेश्चन कहते थे ना सर, समय वाला क्वेश्चन आता है एक वहां पर, है ना, एक टाइम वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, ठीक। बहुत सारे छात्र कहते हैं सर एक टाइम वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक टाइम वाला क्वेश्चन आता है कि सर वो पश्मीना शॉल से कुछ करके, स्वेटर से करके आता है। तो बताओ, एक पश्मीना शॉल को खालिस्तान सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है, और एक सादा पश्मीना शॉल बनने में कितने घंटे का समय लगता है? बताओ भाई, कौन बताएगा कितने घंटे का समय लगता है? कम ऑन एवरीवन, कितने घंटे लगते हैं एक पश्मीना शॉल को बनाने में और एक पश्मीना शॉल को बुनने में साथियों? यस, करीब 6 घंटे का सामान्य, ठीक है, और 250 घंटे का शॉल बनाने में क्या लगता है साथियों? समय लगता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, 250 घंटे तक लग जाते हैं, सोचो कितना मेहनत का काम है। रानी एक कपड़ा पहनती है, इस बार आया हुआ है क्वेश्चन, याद हो तो आपको, इस बार के सीटेट का पेपर का क्वेश्चन है ये वाला। रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो बहुत ही मजबूत और चटक रंग का है। जितनी भी माताएं बहने है ना, कपड़े की बात देखकर खुश हो जाती है,
कि चलो सर कपड़े की बात कर रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को तो गलत नहीं होने दूंगी चाहे कुछ भी हो जाओ, है ना, चाहे प्राण पर बात आ जाए पर कपड़े का क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगी, है ना। चलो, तो वह मजबूत और चटक रंग का है, अत्यधिक छिद्रयुक्त नहीं है, जलने पर गंध उत्पन्न करता है और सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग है। उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता है, इस कपड़े की पहचान कीजिए। कौन सा वो कपड़ा? रेशम का कपड़ा है, पॉलिस्टर का कपड़ा है, सूती ऊन का कपड़ा है या फिर रेयान का कपड़ा है? बताओ किसका कपड़ा है साथियों। चलिए, कपड़े का क्वेश्चन कैसे गलत कर देती है ना, कोई नहीं गलत कर सकता। लड़के भी ठीक है, लड़कों का हाथ तंग होता है कपड़ों की नॉलेज में, है ना। कितने सारे लड़के हैं जिनका हाथ तंग है कपड़ों की नॉलेज में, वो सबके सब हाथ खड़ा कीजिए कि ये सर हमारा हाथ तंग है कपड़ों की नॉलेज में, एकदम एकदम हमारा हाथ तंग है सर कपड़ों की नॉलेज में, बताइए फटाफट से। तो सही आंसर पॉलिस्टर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। पॉलिस्टर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चेराव कहा जाता है कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है? असम में, मिजोरम में, उड़ीसा में या फिर झारखंड में? बताओ, जो चेराव डांस है दोस्तों, ठीक है, जो चेराव डांस है वो कहाँ पर किया जाता है? असम में किया जाता है, मिजोरम में किया जाता है, उड़ीसा में किया जाता है या झारखंड में किया जाता है? बहुत बढ़िया, जो चेराव डांस है याद रखिएगा वो मिजोरम में किया जाता है साथियों। कहाँ पर किया जाता है? मिजोरम में किया जाता है दोस्तों, जो चेराव डांस है वो मिजोरम में किया जाता है, राइट। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग बिहार में बहुत फेमस है? बताओ, जितने भी बिहार के छात्र हैं, जितने भी बिहार के आसपास के छात्र हैं, यूपी के छात्र हैं, ठीक है, या फिर एमपी के छात्र हैं, झारखंड के छात्र हैं, ठीक, या फिर छत्तीसगढ़ के छात्र हैं, तो भैया आंसर कर दो यार, क्या सही आंसर आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स आर फेमस इन बिहार? बताओ, इनमें से कौन सी पेंटिंग बिहार में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? कलमकारी, तमाशा, मधुबनी या फिर बानी थानी? कौन सी पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस है बताओ फटाफट से, जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं फटाफट से बताओ कौन सी पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस है। यस, करेक्ट आंसर इज मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस है साथियों, है ना, एवरीबडी नो अबाउट दैट कि मधुबनी पेंटिंग बिहार की एक बहुत ही फेमस सी पेंटिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ब्रेल लिपि के बारे में इन कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज के डॉट्स पर बनकर रहती है, यह लिपि 8 बंदुओं पर आधारित है, बिंदियों की पंक्तियों के एक नुकीला औजार से बनाया जाता है, उठी हुई बिंदियों पर उंगली चलाकर इसे पढ़ा जाता है, कौन सा कथन सही है साथियों? बताओ, इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही आंसर है? ब्रेल लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है? भैया ब्रेल लिपि 8 पर नहीं, 6 बिंदु होते हैं, मोटे कागज पर उभरी रहती है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, सही आंसर है दैट इज पहला, तीसरा और चौथा, क्योंकि ये अगर 6 बिंदु बोलता, इसमें 6 डॉट्स बोलता, तो ये वाला क्वेश्चन सही हो जाता, बाकी पहला, तीसरा और चौथा सही आंसर है। किस किस को कॉन्टेंट नया लग रहा है, किस किस को नए क्वेश्चंस लग रहे हैं? अगर आपको नए क्वेश्चंस लग रहे हैं तो एक चीज जो मेरे लिए आप कर सकते हैं वो है इस सेशन को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मैं इन सेशंस को आपके हर किसी के व्हाट्सएप के जो व्हाट्सएप का जो शेयर बटन होता है उस पर देखना चाहता हूँ साथियों। तो सही आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। मधुबनी पेंटिंग के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। इन चित्रों को बनाने के लिए इंडिगो, हल्दी और फूलों पेड़ों का रंग का उपयोग किया जाता है। चित्रों में मानव, पशु, पेड़ पौधे, ये तमाम चीजें दिखाई देती हैं। यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी के नाम पर पड़ा। मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जलाबी है साथियों, बताइए। भैया देख तो 600 लोग रहे लेकिन लाइक अभी 300 लोगों के आए, एक बात बताओ, बाकी के 400 लोग, 200 लोगों को, या सॉरी लाइक कितने का आ गया है? हाँ, 300 लोगों का लाइक आ गया, बाकी के जो 250 लोग हैं, मजा नहीं आ रहा क्या सेशन? यार सेशन में अगर मजा आ रहा है लाइक बटन दबा दो। सही आंसर है ABC, है ना। इन चित्रों को साथियों याद रखिएगा, जो मधुबनी के जो चित्र होते हैं इनको इंडिगो से, हल्दी से, नेचुरल चीजों से बनाया जाता है, प्राकृतिक चीजों से बनाया जाता है।
और प्राकृतिक चीजों से बनाने के बाद इन पर प्राकृतिक चित्र ही लगाए जाते हैं, पशु के, पेड़ के, फूल के, पक्षी के, मछली के। और लोक कला का बहुत ज्यादा पुराना रूप है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के नाम पर मधुबनी पेंटिंग का नाम पड़ा है, और मधुबनी बिहार का एक जिला है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ली पेंटिंग के बारे में क्वेश्चन आता है दोस्त, वर्ली पेंटिंग के बारे में एक क्वेश्चन आता है बॉस, है ना, आता है नहीं आता है? किस किसने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आप में से किस किसने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो एक दबाइए, और जिन्होंने नहीं किया है वो दो मत दबाइए, वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का अगर रोज 1:30 बजे मेरी कक्षा का नोटिफिकेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर फिर भी नोटिफिकेशन ना मिले तो एक चैनल का नाम बता देता हूं, सीटेट नोट्स, टेलीग्राम चैनल है सीटेट नोट्स लोकेश सर। ठीक है, इस चैनल में जुड़ जाना, इस चैनल में डेली लिंक डाल देता हूं 1:30 बजे की कक्षा का। ठीक है, सुबह सुबह लिंक डाल देता हूं, अपडेट डाल देता हूं। तो भैया पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आगे मैं तभी बढ़ूंगा जब कह दोगे कि हाँ सर सब्सक्राइब है। अभी सिर्फ 17 लोगों ने सब्सक्राइब का बटन दबाया है, मैं चाहता हूं कि कम से कम 200 छात्र मेरे साथ, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बात अलग है, जिन्होंने नहीं किया वो मेरे साथ सब्सक्राइब का बटन दबाएं एक साथ में, 3, 2, 1 और ये दबा दिया आप सबने सब्सक्राइब का बटन। देखिए बढ़ गए मेरे पास सब्सक्राइब, 58, 62, वेल डन गाइज। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। वर्ली एक पारंपरिक कला है जो किस राज्य में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है साथियों, है ना। अच्छा, इसके पौधे के तने एक प्राकृतिक रेशा से प्राप्त होते हैं, पौधे के फूल पर आने के लिए उनकी कटाई की जाती है, वो रेशा क्या है, कपास का है, ऊन का है, जूट का है, रेशम का है। बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर करिए, जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं दोस्तों फटाफट से आंसर करिए कि वो रेशा किसका है, कॉटन का है या फिर वो ऊन का है, जूट का है, रेशम का है। यस, करेक्ट आंसर क्या है, जूट का रेशा है। किसका रेशा है साथियों, जूट का रेशा है, जूट इसका सही आंसर है दोस्तों। वनवासी कहलाते हैं, बताओ इनमें से कौन से वनवासी कहलाते हैं, प्लांट मैन, कॉन्ट्रैक्टर, बंजारा, मैं बन जा रहा, नदियों में जाके डूब मारा, है ना, आदिवासी। बहुत बढ़िया, फटाफट से बताइए, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही आंसर आदिवासी, है ना। वनवासी हमारे क्या कहलाते हैं, आदिवासी। आदि का मतलब होता है पुराना, वो लोग जो अभी भी पुराने तौर तरीके से रह रहे हैं वो आदिवासी कहलाते हैं साथियों। कक्षा 5 की पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, जाकिर हुसैन जी के द्वारा एक किताब लिखी गई है, उन्होंने मृत्यु के समय कहानी लिखी, वह अपनी मृत्यु के समय क्या थे साथियों, जाकिर हुसैन अपनी मृत्यु के समय क्या थे, हर कोई जानता है जाकिर हुसैन जी अपनी मृत्यु के समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे साथियों। चलिए बहुत बढ़िया, 640 लोग जुड़ गए। भूकंप केवल कब आ सकता है, सुबह सुबह, रात को, कभी भी, ऑल ऑफ द अबव। भूकंप तो यार कभी भी आ सकता है ना, ये कैसा क्वेश्चन है। भूकंप किसके कारण आता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है साथियों, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, और जितने भी तमाम दोस्त जुड़ रहे हैं मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगा साथियों, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, है ना, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो गतिविधि होती है साथियों उसके कारण भूकंप आते हैं लगातार। ये बताओ यातायात के ये संकेत है, ये क्या इंगित करता है, क्वेश्चन आया है साथियों इस बार के सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ यातायात से ये वाला क्वेश्चन आया है कि किसको इंगित करता है, क्रॉस रोड को, चौराहे को, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग को, पैदल पार पथ को, रेलवे क्रॉसिंग को, रेलवे फाटक को, नैरो ब्रिज, संकरे पुल को, बताओ
ये संकेत किसको इंगित करता है? यस, ये जो संकेत है साथियों वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग को इंगित करता है, याद रखिएगा, ठीक है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग को इंगित करता है साथियों। तो दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर साथियों, ठीक है। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, और देखिए हमने हंसते हंसते है ना पूरे हो गए रास्ते, पूरे 100 क्वेश्चंस कर लिए साथियों। फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। कल का जो समय सारणी है वो मैं निश्चित तौर पर आपको टाइम से बता दूंगा कि जब भी हम कल मिलेंगे, पर फिर भी कल मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर गाइस। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।